फ्रेंडशिप डे आ रहा है एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड एक क्राफ्टर है, तो गिफ्ट भी कुछ ऐसी होनी चाहिए ना। फिर क्या था, डॉम्स के इरेजर को पीसेस में कट कर लिया, फ्रंट पे बना लिए इमोजी और बैक पे लिख गए अल्फाबेट्स। उसे मैड एंगल्स बहुत पसंद है। फिर क्या था, मैड एंगल्स को कन्वर्ट कर लिया फ्रेंड एंगल्स। अब फटाफट से इसे कलर कर लेंगे। जब तक मैं कलरिंग कर रही हूँ, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है। अब साइड्स को स्टिक कर लेंगे, सारे टेस्टी टेस्टी से फ्रेंड एंगल्स को इसमें फिल कर लेंगे। आपको क्या लगता है, ये गिफ्ट उससे पसंद आएगा ना? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार फ्रेंडशिप डे आ रहा है एंड इतनी बारिश भी हो रही है, तो फ्रेंडशिप बैंड भी वाटरप्रूफ बनाना होगा ना। मेरे पास वो वाला पेपर नहीं था जो आगे से कलर्ड और पीछे से व्हाइट होता है। चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं ना। तो हमारा पेपर बन गया, अब इसे फोल्ड कर लेंगे। जब तक मैं पेपर को फोल्ड कर रही हूँ, अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपकी बेस्टी का फेवरेट कलर कौन सा है। अब इसके एंड्स को सील कर लेंगे। बैंड को वाटरप्रूफ बनाने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे सेलो टेप। पूरे बैंड को अच्छे से कवर कर देंगे ताकि कितनी भी आंधी तूफान में इस पे कोई असर ना हो। एंड को कट कर लेंगे ताकि हम बैंड को क्लोज कर सके। कैसा लगा ये वाटरप्रूफ बैंड? बेस्टी को पसंद आएगा ना, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस टाइप के कार्डबोर्ड आपको इजीली मिल जाएंगे जब आप कोई पार्सल मंगाते हैं, इसीलिए बोलती हूँ डिस्कार्ड करने से पहले 100 बार सोच लो। फ्रेंडशिप डे आ रहा है तो क्यों ना अपनी बेस्टी के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट रेडी किया जाए। मार्केट में आपको रेडीमेड गिफ्ट तो मिल जाएगी, लेकिन हैंडमेड गिफ्ट बनाने का अलग ही मजा है। इससे पता चलता है कि आपकी फ्रेंडशिप कितनी खास है। ब्लू कलर उसका फेवरेट है, तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर का एक क्यूट सा गिफ्ट रेडी कर रही हूँ जो की है पजल पीस। एक पार्ट होगा मेरे पास और दूसरा होगा मेरी बेस्टी के पास। ये सैटन रिबन कब से पड़ी थी, तो चलो आज इसे यूज कर लेते हैं। है ना अमेजिंग आइडिया? बेस्टी का नेम कमेंट करो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे ये ब्लैक स्टोर टेबल पे क्या कर रहा है, आइडिया? जैसे कि आपको पता है कि फ्रेंडशिप डे आ रहा है, मार्केट में तो आपको रेडीमेड बैंड्स मिल जाएंगे, लेकिन हैंडमेड बनाने का अलग ही मजा है। इससे पता चलता है कि आप अपने फ्रेंड को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। बैंड बनाने के बहाने आज पॉज का मार्कर भी यूज हो गया। वैसे गाइस बनने के बाद ये बहुत ही क्यूट लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन जबरदस्त है ना, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रस मलाई खाने के बाद मैं बॉक्स डिस्कार्ड करने ही वाली थी, तभी एक जबरदस्त आइडिया क्लिक हुई। फ्रेंडशिप डे आ रहा है एंड मेरी फ्रेंड एक क्राफ्टर है। चिप्स तो हर किसी को पसंद होती है, स्नैक्स और स्टेशनरी को कर दिया कंबाइन। फटाफट से यहाँ पे मैं बना लूंगी चिप्स नोटबुक। साउंड्स अमेजिंग इजंट इट? कुछ प्लेन व्हाइट शीट्स को कट कर लेंगे, स्टेपल करके से एक नोटबुक का शेप दे देंगे। चिप्स में मजा नहीं आएगा तो यहाँ पे मैं 2 चिप्स नोटबुक बना रही हूँ। वाओ गाइस ये कितनी क्यूट लग रही है। टेस्टी से चिप्स को बॉक्स में फिल कर देंगे। सो गाइस जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप अपनी बेस्टी के साथ क्या खाना पसंद करते हैं। वैसे आज की आइडिया है ना अमेजिंग, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे कार्डबोर्ड आपको इजीली मिल जाएंगे जब आप कोई पार्सल मंगाते हैं। फ्रेंडशिप डे आ रहा है तो चलो अपने बेस्टी के लिए प्यारा सा गिफ्ट रेडी करते हैं। पिंक कलर उसका फेवरेट है, तो चलो पिंक कलर में बनाते हैं। बेस तो हमारा रेडी हो गया, चलो इसे फाइनल टच देते हैं। अब अपनी दोस्ती में हम 4 चांद लगा देंगे। वैसे गाइस आपकी बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है, जल्दी से कमेंट में बताओ। तो यहाँ पे मैंने दिल के 2 टुकड़े कर दिए, एक होगा मेरे पास और एक होगा मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास। अरे ये रिबन आज काम में आ गया, नाउ अमेजिंग आइडिया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये स्पॉन्ज के पीस मैं डिस्कार्ड करने ही वाली थी, तभी एक जबरदस्त आइडिया क्लिक हुई। फ्रेंडशिप डे आ रहा है तो क्यों ना अपनी बेस्टी के लिए प्यारा सा गिफ्ट रेडी किया जाए। स्पॉन्ज की छोटी छोटी पीसेस को कलरफुल क्ले से कवर कर देंगे। मल्टी विटामिन पिल्स तो आपने सुनी होगी जो कि हम अपने गुड हेल्थ के लिए लेते हैं। अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रेंडशिप पिल्स। साउंड्स अमेजिंग इजंट इट? कुछ टाइम पहले परचेज किया था मैंने इमोजी इरेजर, जिसका एम्प्टी कवर केस मेरे पास रखा था। फिर क्या था, सारी फ्रेंडशिप पिल्स को इसके अंदर फिल किया। अब हम इसे पैक कर देंगे। जब तक मैं इसे फाइनल टच दे दूँ, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपकी बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है। अरे अरे फ्रेंडशिप बिल खाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। फ्रेंडशिप डे आ रहा है एंड मैं सोच रही थी कि अपनी बेस्टी को क्या गिफ्ट करूं। उसे मेंटोस बहुत पसंद है। इस टाइप के स्पॉन्ज आपको इजीली मिल जाएंगे जब आप कोई पार्सल मंगाते हैं। स्पॉन्ज को सॉफ्ट क्ले से कवर कर लिया। अल्फाबेट बीट्स को मिडल में इंसर्ट कर देंगे। मेंटोस को फ्रेंटोस में कन्वर्ट करके मैंने पैकेट पहले ही बना लिया था। टेस्टी टेस्टी और जूसी जूसी से फ्रेंटोस को इसमें फिल कर देंगे। है ना कमाल का आइडिया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस टाइप के कार्डबोर्ड आपको इजीली मिल जाएंगे जब आप कोई पार्सल मंगाते हैं। फ्रेंडशिप डे आ रहा है एंड मेरी फ्रेंड एक क्राफ्टर है, तो गिफ्ट भी सोच समझ के बनाना होगा। पिंक कलर उसका फेवरेट है, तो यहाँ पे मैं पिंक कलर में बना रही हूँ। स्क्रैच नोट आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना स्क्रैच कार्ड बनाया जाए, उसे बहुत पसंद आएगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले उसने मैजिकल स्क्रैच नोट पे वीडियो भी डाली थी। बेस तो हमारा रेडी हो गया, अब फटाफट से पिंक कलर से कलर कर लेंगे। वैसे आपने अपनी बेस्टी को क्या देने का सोचा है, कमेंट में जरूर बताना। है ना अमेजिंग आइडिया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
ये रेनबो इरेजर्स कब से मेरे पास पड़े हुए थे? आप सोचे होंगे मैं इसे कट क्यों कर रही हूँ? फ्रेंडशिप डे आ रहा है ना, एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड एक क्राफ्टर है, तो मैंने सोचा उसे स्टेशनरी आइटम देते हैं। डोरिटोस उसका फेवरेट है, तो ये बन गए हमारे रेनबो डोरिटोस। बेस्टी को पसंद आएगा ना, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये रबर बैंड टेबल पे रखा हुआ था, एंड ये वुडन क्लिप्स परचेज की थी कुछ दिन पहले। पता है गाइस, फ्रेंडशिप डे आ रहा है तो अपनी बेस्टी के लिए एक प्यारा सा बैंड बनाना तो बनता है। पिंक कलर उसका फेवरेट है, तो यहाँ पे मैंने कुछ फोम कटआउट्स कर लिए। अब ये वुडन क्लिप्स पे मैं इसे स्टिक कर दूंगी। आपकी बेस्टी का फेवरेट कलर कौन सा है कमेंट में जरूर बताना। वुडन क्लिप और रबर का कॉम्बिनेशन जबरदस्त है ना। क्यूट से बैंड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे ये एम्प्टी बॉक्स टेबल पे क्या कर रहा है? आईडिया, प्लेन व्हाइट शीट से बॉक्स को कवर कर लेंगे। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे येलो कवर, ताकि इस बॉक्स का नाम और निशान मिट जाए। फ्रेंडशिप डे आ रहा है, मेरी बेस्टी को प्रिंगल्स बहुत पसंद है। फिर क्या था, प्रिंगल्स को कन्वर्ट किया फ्रिंगल्स में। आउटर कवर हो गया हमारा रेडी। अब इसमें कुछ बेस्टी फ्लेवर के पोटैटो क्रिस्प्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पोटैटो के कलर का कार्ड स्टॉक ले लिया। जब तक मैं चिप्स रेडी करी हूँ, अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपकी बेस्टी का क्या नाम है। चिप्स को टेस्टी बनाने के लिए इस पे कुछ क्यूट से कैप्शन ऐड कर देंगे। सो गाइस, यहाँ पे हमारे टेस्टी टेस्टी से फ्रिंगल्स रेडी हो गए। बेस्टी को पसंद आएगा ना, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस टाइप के बॉटल कैप्स आपको इजीली मिल जाएगी जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। फ्रेंडशिप डे आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बेस्टी के लिए क्यूट सा गिफ्ट रेडी करूं। फिर क्या था, बॉटल कैप के हेल्प से कॉन्टेक्ट लेंस के केसेस बना लिए। लेंस बनाने के लिए यूज कर लिए कलरफुल इरेजर्स। लेंसेस खराब ना हो जाए, इसीलिए हम इसका अपर कैप बना लेंगे। सो गाइस, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि स्कूल लाइफ में आपने सबसे पहले जिससे फ्रेंडशिप की थी उसका नाम क्या था, और क्या वो अभी भी आपकी फ्रेंड है। स्टिकर्स के बगैर कोई भी क्राफ्टिंग अधूरी है। गिफ्ट तो हमारी रेडी हो गई, अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। छोटे हो चाहे बड़े, छुपा छुप सबको पसंद होता है। ये इरेजर एकदम छुपा छुप जैसा लग रहा था, तो मैंने इसे जल्दी से परचेज कर लिया, क्योंकि मेरी बेस्टी को छुपा छुप बहुत पसंद है। फ्रेंडशिप डे आ रहा है, एंड मेरी बेस्टी एक क्राफ्टर है। छुपा छुप में एक्स्ट्रा फ्लेवर डालने के लिए हम यहाँ पे कुछ अल्फाबेट एंड इमोजी बना लेंगे। वाओ गाइस, ये कितना अमेजिंग लग रहा है। फटाफट से पैकेट रेडी कर लेंगे। आपने अपने बेस्टी को क्या देने का सोचा है कमेंट में जरूर बताना। जब तक मैं छुपा छुप को पैकेट में फिल करी, अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एम्प्टी जार टेबल पे क्या कर रहा है? आईडिया, पंचिंग मशीन के हेल्प से यहाँ पे मैं कुछ कटआउट्स कर लूंगी। अभी से वन बाय वन जार पे स्टिक कर देंगे। अभी इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कुछ कलरफुल बीड्स। अब कुछ कलरफुल पेपर लेंगे और उस पे प्यारे प्यारे से फ्रेंडशिप डे के कोट्स लिख लेंगे। वैसे गाइस, फ्रेंड्स के बगैर लाइफ एकदम बोरिंग है, कौन कौन एग्री करता है? जल्दी से वाला इमोजी कमेंट करो। कुछ कलरफुल रोप्स थे मेरे पास, उससे मैं इसे टाई कर लूंगी। मार्केट में आपको रेडीमेड गिफ्ट्स तो मिल जाएगी, लेकिन हैंडमेड गिफ्ट बनाने का अलग ही मजा है। मेरे पास रखा था रेड कलर का ग्लिटर शीट, उससे मैं आउटर साइड को थोड़ा और अट्रैक्टिव बना लूंगी। सो गाइस, क्या सोच रहे हो, आपके पास भी ऐसे जार होंगे, तो जल्दी से लो और शुरू हो जाओ। है ना अमेजिंग DIY, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये ब्लू कलर का कार्ड स्टॉक कब से मेरे पास रखा हुआ था? फ्रेंडशिप डे आ रहा है, फिर क्या था, यहाँ पे कुछ कलरफुल रोप ले लिए, कुछ ग्लिटर शीट के हार्ड कटआउट्स कर लूंगी, वन बाय वन इसे स्टिक कर लेंगे, एंड दैट्स इट, हमारा फ्रेंडशिप डे का कार्ड रेडी है।